आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में एक फैसला लिया कि अगर विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा की कार्यवाही में विपक्ष को तरजीह नहीं देंगे, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, ऐसी सूरत में जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में, उसका भी जिक्र करते हुए जिसमें स्पीकर ने विधानसभा के अंदर भी बहुत कुछ बोला, विधानसभा के बाहर मीडिया में बहुत कुछ बोला, उन सारी बातों का संज्ञान लेते हुए सचिव विधानसभा को एक रेजोल्यूशन देना चाहिए, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर फ्रॉम द पोस्ट। और नियम 274 के अंतर्गत हमने ये आज रेजोल्यूशन दिया और नियम के मुताबिक जब इस प्रकार का प्रस्ताव दिया जाता है तो विधानसभा का अध्यक्ष स्वतः ही कार्यवाही का संचालन नहीं करता है, वह तुरंत आसन छोड़ देते हैं। लेकिन यहां अलग तरह की परिस्थिति है, विधानसभा के अध्यक्ष अपने आप को कानून से भी ऊपर मानते हैं, नियम से भी ऊपर मानते हैं और ज्ञान के मामले में तो अपने आप को ऐसा मानते हैं कि दुनिया में इनके ज्ञान के बराबर ज्ञान किसी को है ही नहीं। जब आज पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे हमारे विशिष्ट साथी श्री विपिन सिंह परमार जी ने नियमों का हवाला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपनी बात कहने की कोशिश की तो उनको बोलने की इजाजत नहीं दी गई। हमने कहा था कि आप हमारी बात तो सुनिए और हो सकता अगर बात सुनते तो बातों को ठीक करने की गुंजाइश निकल जाती, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का जिस तरह का एरोगेंस, जिस तरह का घमंड, जिस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये उपयुक्त है उनके लिए, मुझे लगता है उनके दिमाग में है ना। विधानसभा के किसी सदस्य को बोलने के लिए दिया मौका विपक्ष की ओर से और ना हमको मौका दिया गया, और ऐसी सूरत में विधानसभा की कार्यवाही तुरंत स्थगित करके उनको करना यह चाहिए था कि इस पर जो है जो 274 के अंतर्गत जो हमने नोटिस दिया है इस पर विचार किया जाए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नहीं दी और उन्होंने कार्रवाई को शुरू करने का कोशिश की है। और इसके साथ दूसरा हमने आज नोटिस दिया है नियम 67 के, स्थगन प्रस्ताव दिया है नियम 67 के अंतर्गत, और नियम 67 का विषय भी बहुत गंभीर है। ये हिमाचल के इतिहास में, आज तक के इतिहास में शायद ही पहले हुआ है जब एक तारीख निकल गई, विधानसभा का ये मॉनसून सत्र चला हुआ है, इसमें हम नियम 67 के अंतर्गत पूरे प्रदेश का एक बहुत व्यापक मुद्दा सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तारीख निकल गई, कर्मचारियों को ना सैलरी मिली है ना पेंशन मिली है। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है और हिमाचल प्रदेश में कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि आर्थिक संकट है और कभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति खराब नहीं है, तो एक तारीख बीतने के बावजूद भी कर्मचारियों के खाते में सैलरी क्यों नहीं आई, पेंशनर्स के खाते में पेंशन क्यों नहीं आई, इस पर हमने नियम 67 के अंतर्गत हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था जिस विषय पर चर्चा करें, और हम उम्मीद कर रहे थे कि विधानसभा के अध्यक्ष आसन छोड़ देंगे और उसके बाद नियम 67 के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, जो हिमाचल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की स्थिति आई है, आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में जो है वो पूरी तरह से आ चुका है, अब आ रहा है ऐसा नहीं रहेगी बात, आ चुका है। जब कर्मचारियों की सैलरी बंद हो गई, पेंशन बंद हो गई, तो उसका मतलब है कि प्रदेश संकट में आ चुका है। ऐसी सूरत में तुरंत इस विधानसभा के सत्र में चर्चा होनी चाहिए थी कि आर्थिक स्थिति है क्या हिमाचल प्रदेश की, लेकिन झूठ बोल करके हमारे मुख्यमंत्री जी आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं, उससे प्रदेश नहीं चल सकता है। आपकी राजनीति चल सकती है थोड़े वक्त के लिए, लंबे समय तक वो भी नहीं चल सकती है, लेकिन झूठ बोल करके प्रदेश को नहीं चला सकते हैं। अगर आर्थिक संकट नहीं है तो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन क्यों नहीं मिली, ये आज हमने नियम 67 के अंतर्गत चर्चा करने की कोशिश के लिए जो है
नोटिस दिया था, ना एक नोटिस स्वीकार हुआ और ना दूसरे नोटिस पर। तो इसका मतलब है सरकार जो है विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहती है, प्रदेश के हालात को जो आर्थिक संकट पैदा हुआ उस हालात पर गंभीर ही नहीं है। विपक्ष का जिम्मा बनता है, एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते जब इस तरह के हालात बनते हैं, इस तरह की परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में जब हाउस इन प्रोग्रेस है तो तुरंत उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा नहीं दी गई और इसलिए हम हाउस से वॉकआउट करके आए।